आपां देश मैं नवा उडारी। कहाँ है मेरे बच्चे और तुम्हें कैसे पता था कि वो पापा के घर पे? तुझे क्या लगा था आसमा कि तू स्कूल ट्रिप का बहाना बनाएगी और मैं तेरे झांसे में आ जाऊंगी? कुछ पता नहीं चलेगा मुझे। आसमा भूल मत कि खुशी भी उसी स्कूल में पढ़ती है, और वैसे भी आसमा तूने उन्हें पापा के घर में रख के कौन सा सात तलों के नीचे छुपाया है जो मुझे कभी वो मिलते ही नहीं। कोना कोना जानती हूँ उस घर का। तो फिर क्या, घर गई और ले आई तेरे दोनों छोटी छोटी राजकुमारियों को? अरे मैं तेरी जान ले लूंगी अगर मेरे बच्चों को कुछ भी हुआ तो। छोड़ मुझे, मुझे मारना चाहती है। ठीक है, एक काम कर राजा, मार मुझे। हाँ, मार मुझे। पर एक बात याद रखना, अगर मुझे इतनी सी भी खरोच आई ना तो तेरे बच्चों की जान भी जा सकती है। अलग क्यों कर रही हूँ ऐसे? बच्चे हैं वो, तुमने जो कहा मैंने सब कुछ किया है, फिर क्यों कर रही हूँ उनके साथ? सिर्फ तेरी ओवर स्मार्टनेस की वजह से। मुझे बहुत अच्छे से पता है आसमा कि बिना कोई पंगा किए तुझे चैन पड़ ही नहीं सकता, तो इसलिए जब तक मेरे और अरमान की शादी हो नहीं जाती तेरे बच्चे मेरे पास रहेंगे। मेरी खुशी की जमानत के तौर पे। आलिया प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे और अरमान की शादी के बीच में नहीं आऊंगी, आई प्रॉमिस। पर मेरे बच्चे का है वो बता। प्लीज आलिया, छोड़ मुझे। आलिया प्लीज प्लीज मुझे। देख आसमा, मुझे ना तंग मत कर, तैयार होने जाना है मुझे शादी के लिए, और अगर ज्यादा परेशान किया ना तो मेहर के बारे में कभी पता नहीं चलेगा तुझे। आलिया प्लीज, ज्यादा परेशान किया ना तो मेहर के बारे में कभी पता नहीं चलेगा तुझे। मेहर का नाम क्यों लिया? हानिया का क्यों नहीं? मम्मी जी, मैं जानती हूं कि आप सबके दिलों में कैसा तूफान मचा हुआ है। घर में पहली बेटी की शादी पर कोई खुशी नहीं। हालात ने आज आसमा की जगह मुझे लाकर खड़ा कर दिया। उसके होते हुए भी मुझे अरमान से शादी करनी पड़ रही है। बस बस बच्चों के खातिर ये कड़वा सच हम सबको निगलना पड़ रहा है।